तो नगर और था एक था और था झांसी के पास। अरे वीर साहब भोपाल की तो कथा सुनाऊं खास। हाँ प्रिय सजनों, एक नगर था, उसका नाम क्या था? और था, ये और था झांसी के पास में है। उसमें एक राजा था, उसका नाम था वीर सिंह। मैं आपको उस ही वीर सिंह की कथा सुनाने को जा रहा हूँ, जरा ध्यानपूर्वक सुनिए। हे गाइस, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, घंटा बजाओ तभी तो प्रसाद मिलेगा। तो वीर सिंह के दो बेटा थे, ज्वार सिंह हरदौल, और सभी तरह से भूप को तो बन्यो अनोखो डोल। क्या होता है कि वीर सिंह राजा के दो बेटा थे, बड़े का नाम था ज्वार सिंह और छोटे पुत्र का नाम था हरदौल। सभी प्रकार से राजा राज को आनंद पूर्वक चलाता था। तो ज्वार सिंह की रानी ने हरदौल कुंवर से कहिए, अरे लाला जी अब आपको तो देखो शादी करनी चाहिए। सजनों, क्या होता है कि ज्वार सिंह की शादी हो गई थी और हरदौल कुंवारा ही था। ज्वार सिंह की रानी हरदौल से कहने लगी कि हे देवर, अब आपको शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि आप शादी के योग हो गए हो। तेरे लाओ, अरे हम मेरे लाओ, दौरानी कहे की रे ले वो माने, ओ भौजाई रे बोली देवरी। अरे हाथ जोड़ कर भाभी बोली देवर से मुस्काए, अरे लाला जी मानो मेरी रे अब ले वो प्यार कराए। अरे लाला जी मानो मेरी अब ले हो ब्याह कराए। सुनो मेरी भाभी हाथ जोड़ समझाऊं, अरे कहे हर डोल सुनो रे मेरी भाभी हाथ जोड़ समझाऊं। अरे भरदम
रहूं बाल ब्रह्मचारी कभी न ब्याह रचाऊं। अरे हरे दम रहूं बाल ब्रह्मचारी कभी न ब्याह रचाऊं। सजना भाभी कहने लगी हरदौल से कि हे देवर, अब आप जवान हो गए हो, इसलिए आप शादी कर लो। कुंवर हरदौल कहने लगा कि हे भाभी सुनो, मैं कभी भी शादी नहीं करूंगा और हरदम बाल ब्रह्मचारी रहूंगा। आप वे हमारे भैया ज्वार सिंह की हरदम सेवा करूंगा। इस प्रकार से हरदौल ने कहा, अरे कर दीरे मना ब्याव कीरे, देखो नाट गया हरदौल। अरे कर दीरे मना ब्याव कीरे, देखो नाट गया हरदौल। लगा कर सुन लो रे सजनो, अब आगे का डोल। अरे ध्यान लगा कर सुन लो रे सजनो, अब आगे का डोल। तेरे यादे पर मैं बिगड़ गई बात, ओ भौजाई बोली देवरिया। ओ लावो अरे लावो तारानी, कहे किर ले वो मान, ओ हो जाई रे बोली दूत ने देखो रे सजनो, कैसो जाल बिछायो। अरे एक दूत ने देखो रे सजनो, कैसो जाल बिछायो। अरे पहुंच गयो दरबार, जाए कर ज्वार सिंह भेकायो। अरे पहुंच गयो रे दरबार, जाए कर द्वार सिंह बहकायो। तेरे राजा बादल फट गए रात, ओ जाई रे बोली देवरिया। सजना क्या होता है कि हरदौल ने बिल्कुल मना कर दी। आगे क्या हुआ
कि एक हरदौल का दुश्मन उसी राजा ज्वार सिंह के यहाँ नौकर रहता था। ऊपर से प्रेम से बोलता था और अंदर आत्माओं के उसके काला था। वो दरबार में गया और ज्वार सिंह से कहने लगा कि हे महाराज, आज रात को मैंने ऐसा गजब देखा है कि आपसे कहने की बात नहीं है। आज तो महाराज बादल ही फट गए हैं। किस प्रकार से कहने लगा, अरे क्यों हर दौल करे गोरे शादी सही सुनाऊं बे, अरे क्यों हर दौल करे गोरे शादी सही सुनाऊं बे, अरे तेरी रानी से लागे हर दौल कुंवर के नैन, अरे तेरी रानी से लागे हर दौल कुंवर के नैन, एरे मोपे आगे काही रे नहीं जाय ओ सजनों। दूत ने कहा कि महाराज मैं क्या कहूं, आज मैंने ऐसा कमाल देखा है वो कभी नहीं देखा। राजा बोला कि जरा बताओ तो सही। दूत बोला कि महाराज, आप तुम्हारे भाई हरदौल से कहते हो कि भैया शादी कर लो और हरदौल मना कर देता है। अजी वो शादी क्यों करेगा, तुम्हारी जो औरत है उससे उसके नैन लगे हुए हैं। इस प्रकार से कहा और राजा के भीसों विश्वा बात को जचा दी। तो राजा को भय का दियो और सुनो दूत के हाल, और ज्वार सिंह के सुनत ही तो देखो नैना हो गए लाल, तो नैना हो गए लाल। तुरत भोपाल महल में आयो और करिया दर्शन मान सहित जब रानी ने बैठायो। हाँ सजनो, दूत के ये हाल सुनकर राजा ज्वार सिंह नाराज हो गया और तत्काल ही महलों में गया। पति को देखकर रानी ने पिलंग बिछाया और आदर सहित नृप को बैठाया। आगे क्या होता है, प्राण पिया बैठो से बैठो से जे बिछाई।
वरता तू नारी जो सजनो, रानी ने सेज बिछाकर कहा कि महाराज बैठो। राजा बैठ गया और कहने लगा कि हे रानी, मुझे तेरा बड़ा ही भरोसा है। मैं जानता हूं कि तेरी जैसी पतिव्रता औरत और कहीं पर नहीं। रानी बोली कि हां महाराज, आपकी कृपा से मेरा पतिव्रता धर्म साबित है। राजा कहने लगा कि हे प्यारी, लेकिन एक बात है, अगर तू पतिव्रता है तो मेरी बात माननी पड़ेगी। रानी बोली कि महाराज, जो आप कहोगे वो ही करूंगी। राजा बोला कि हे रानी, मेरे कहने से मेरा छोटा भाई हरदौल कुंवर है, उसको तू जहर खिला दे। इस प्रकार से राजा ने रानी से कहा। राजा की बात को सुनकर रानी कहने लगी, नारी कहे क्या बादल फारो, सजनों, राजा की बात को सुनकर रानी रोकर बोली कि हे महाराज, आप ये क्या कह रहे हो? आप बहुत ही बुरा कर रहे हो। जो कि तुम्हारा माजा या भाई है, उसको आप जहर खिलाकर मरवा रहे हो। आपको थोड़ी बहुत दया नहीं आती है? रानी ने इस प्रकार कहा,
लेकिन राजा बोला कि नहीं, अगर तू पतिव्रता धर्म को रखती है तो मेरे कहने से हरदौल को जहर खिला दे। आखिर में औरत की जाति थी, अगर जहर नहीं खिलाए तो उसको मरना पड़े। रानी ने राजा की बात मानकर क्या किया, भोजन में झटे जहर मिलाया, भोजन में झटे जहर मिलाया, रानी ने देवर बुलवाया, रानी सजनो, राजा की बात को मानकर रानी ने भोजन में जहर मिलाया और दासी को भेजकर कुंवर हरदौल को बुलवा लिया और उसको सारा हाल सुना दिया। कहा कि हे लाला जी, ये तुम्हारे भाई का ऑर्डर है, इसलिए मैंने इस भोजन में जहर मिला दिए हैं। मैं तो आपको लेकिन इस जहर को नहीं खिला सकती। भाभी की इस बात को सुनकर हरदौल हंसकर कहने लगा, खे हरे दौले अभी से मोकू, खे हरे दौले अभी से मोकू, भाभी तो से नाहिरी का छूतो कू, भाभी तो से नाहिरी का छूतो कू, हाथल से थाली सरकारी, प्राण पिया बैठो से जे हाँ सजना, भाभी की बात को सुनकर हंसकर बोला कि हे भाभी, अगर भाई साहब की आज्ञा है तो आप मुझे हंसी खुशी के साथ विष खिला दिए। भाभी ने कहा कि हे देवर, मुझसे तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपको जहर खिलाऊं, लेकिन क्या करूं। भाभी की इतनी बात सुनते ही कुंवर हरदौल ने हाथन से अपने हाथों से थाली को सरका ली और तुरंत ही भगवान का नाम लेकर और विष भरा हुआ भोजन खाने लगा। तो क्या होता है, खाताई विष चकर आया,
प्रिय सदनों, क्या होता है कि जवाहर सिंह के कहने से हरदौल कुंवर ने जहर भरा हुआ भोजन खा लिया। भोजन को खाते ही एकदम से हरदौल को चक्कर आया। थोड़ी ही देर के बाद में हरदौल कुंवर खत्म हो गया। मैल रुदन मचा अरे समसानों में जाए कर देखो दीन और दागे लगाए। हाँ सजनों, क्या होता है कि सारे गांव में शोर मच गया और हरदौल का समसानों में जाकर दाह लगा दिया। तो दीनो दाग लगाय की क्रिया कर में सभी करवायो और समसानों के बीच तुरंत स्थान एक बनवायो। हरदौल का दाह क्रिया करके और उन्हीं समसानों में एक स्थान बनाया। वो स्थान हरदौल के नाम से बना दिया। अब क्या होता है कि मरने सुनो जब भ्रात को और दिल को पड़ो न चैन और रोती चिल्लाती गई हरदौल कुंवर की बहन। जब हरदौल कुंवर का मरण सुना तो सजनों उसकी बहन आई। हरदौल जवाहर सिंह की बहन का नाम कुंजावती था। कुंजावती रोती हुई अपने भाई के द्वार पर आई और क्या कह रही है, अरे कर रही सोच फिकर बहना रो रही फिकर बहना रो रही जी
ज्वार सिंह ने हमें मारो, ज्वार सिंह ने भैया हारे दौल करे रही सोच की करे भैनारो रही जी। अरे बहन दाजी ये फाटे कार के जी, ए जी कोई आ गई हम कोई आ गई अपने रे द्वार कर रही सोच फिकर भनारो रही जी। द्वार सिंह ने भैया हर दाल कर रही सोच फिकर भनारो रही जी। हाँ सजनो, हर दौल की बहन आई और रो रो कर कहने लगी कि हे भाई ज्वार सिंह, तुमने बड़ा ही अन्याय किया है और ये हत्यारी भाभी ऐसी हत्यारी कहीं दुनिया भर में नहीं होने की है जो कि देवर को हाथों से जहर खिलाकर खत्म करवा दिया। इस प्रकार से बहन ने कटु शब्द किए। ज्वार सिंह नाराज हो गया और कहने लगा कि तुझको यहाँ से कोई काम नहीं है, हमारे यहाँ तेरा पैर रखने का भी काम नहीं है, अब ही तुरंत यहाँ से निकल जा। इतनी बात को सुनकर बहन कुंजावती लाचार होकर रोती रोती अपने घर आ गई। सजनों, अब थोड़ा दिन के बाद में क्या होता है? अरे थोड़ा ही दिन के बाद में जी, हाँ थोड़ा ही दिन के बाद में जी, ए जी कोई रुपया है, अरे हम में कोई रुपया है भान जी को ब्याह सजना। क्या होता है, कछु दिन बीत जाने के बाद में कुंजावती के यहाँ लड़की की शादी रुकी। वो ज्वार सिंह और हरदौल की भांजी थी, उसकी शादी निश्चित हो गई। तो अब कुंजावती
किस प्रकार से मन में विचार कर रही है। अरे कुंजावती पासे तारही जी, हाँ कुंजावती पासे तारही जी, ए जी कोई बात है, अरे हम कोई बात है नौते बाजा सजनो। जब कुंजावती की लड़की की शादी रुकी तो कुंजावती मन को मार कर कहने लगी कि भाई साहब के मेरे झगड़ा तो है लेकिन मेरे घर बच्ची की शादी है, मुझे भात नोतना जरूरी है। इस विचार को करके कुंजावती ज्वार सिंह के पास में भात नोतने के लिए गई। बहन कुंजावती को देखकर ज्वार सिंह नाराज हो गया और कहने लगी कि बेशरम तू हमारे यहाँ पर कैसे आई, यहाँ से भग जा, तेरा भाई है हरदौल, जाकर हरदौल को ही नोत और वो ही हरदौल तेरे भात भरेगा, मैं तो तेरे घर जीती जिंदगी पैर नहीं दूंगा। इस प्रकार से कहा। सजनो इस बात को सुनकर कुंजावती रोती हुई शमशान घाट पर गई और उस स्थान पे जाकर चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, किस प्रकार से रो रो कर कह रही है। अरे पौड़ी पे बचा जो लाज भाई माजाया, अरे पौड़ी पे बचा जो लाज भाई रे माजाया, हाँ ऐसे के भेना चिल्लाई, हाँ ऐसे के भेना चिल्लाई, झट आवाज थाने सिर आई, हाँ झट आवाज थाने से आई तो सुधरे रे तेरो काज भाई रे माजाया, पौड़ी पे बचा जो लाज भाई रे माजाया, हाँ सजनों। कुंजावती रो रो कर मरे हुए भाई हरदौल से कहने लगी कि हे भाई, जो बड़ा भाई ज्वार सिंह है उसने मुझे गाली दी और उसने कहा है कि वही तेरा हरदौल भाई भात भरेगा, इसलिए मैं रो रो कर तुझसे कह रही हूँ कि पौड़ी पे मेरी लाज रखना। इस प्रकार से कुंजावती रो रो कर कहने लगी। सजनों क्या होता है, तुरंत ही उस स्थान से आवाज आई और मृत्यु हरदौल कहने लगा कि हे बहन कोई बात की चिंता मत कर, तेरा कार्य सिद्ध होगा। इस प्रकार से कहा। भाई की बात को सुनकर बहन वापिस आ जाती है। हाँ कुंजावती घर को आ गई है,
कुंजवती घर को आ गई है। हाँ इधर दौल सेठ से कही है, हाँ इधर दौल सेठ से कही है, जा बात सजाए भाई रे माजाया, कौड़ी पे बचा जो लाज भाई रे माजाया। हाँ सजनों क्या होता है, कुंजवती तो घर को आ जाती है, जिसके बाद में हरदौल कुंवर ने नगर सेठ को सपना दिया और कहा कि सेठ जो गांव के बाहर का तालाब है उसमें काफी धन गड़ा हुआ है, उस धन को तू खोद ले और मेरी बहन कुंजावती के जाकर भात दे। प्रिय सजनों, सेठ तुरंत ही पहुंचा और माल खोद कर दूसरे रोज भात सजाकर तैयार होने लगा। आ नगर सेठ ने रे भात सजाया, हाँ नगर सेठ ने रे भात सजाया, हाल दस पांच आदमी रे आया, हाल दस पांच आदमी रे आया। सजनों क्या होता है कि दूसरे रोज नगर सेठ दस पांच आदमियों को साथ में लेकर और बहन के यहाँ भात लेकर पहुंच जाता है। सजनों श्याम को सारी बस्ती में बुलावा दे दिया और सारे नर नारी इकट्ठे हुए। सेठ ने पूरी बस्ती के नर नारियों को अच्छी तरह से भात उड़ाया। फिर क्या होता है, नगर सेठ कहने लगा कि हे बहन कुंजावती, अब आपका नंबर है और सारे गांव वाला ने भात ओढ़ लिया है, अब आप बहन भात ओढ़ने के लिए आ जाए। नगर सेठ की बात को सुनकर बहन किस प्रकार से कह रही है, अरे जब वो डूंगी रे भात ओ उठावे मेरा माजाया,
भैया की याद एकदम से बहना चिल्लाई। अरे कर भैया की याद एकदम से बहना चिल्लाई। भैना की सुन टेर तुरत आवाज महल से आई। अरे भैना की सुन टेर तुरत आवाज महल से आई। तेरे दाई भैया की सूरत दिखाई। ओ सजनों क्या होता है कि सेठ से कहा कि जब तक मेरा माजाया भाई नहीं आएगा जब तक मैं भात नहीं ओढ़ूंगी। प्रिय सजनों, भाई को याद करके बहन एकदम से चिल्लाई। भगवान की माया से क्या होता है कि महलों से आवाज आती है कि ए बहन इधर देख, मैं तेरा भाई हरदौल तेरे महल में खड़ा हूँ। सजनों क्या होता है कि कुंजावती के महल का जो खम्भ था उसमें साक्षात भाई हरदौल की सूरत दिखाई पड़ी। सूरत दिखते ही बहन कुंजावती खुश हो गई और उसने आनंद से भात ओढ़ा। अब क्या होता है अरे दूजेर दिन की बात देख लो आ गई फिर बारात। अरे दूजे दिन की बात देख लो आ गई फिर बारात। अरे हंसी खुशी से फिर कन्या का कर दिया पीला हाथ। अरे हंसी खुशी से फिर कन्या का कर दिया पीला हाथ। अरे दूल्हे ने ठाड़ो हो करके ऐसे वचन उचारा। अरे भोजन में जी माँ जब आवे ममिया सुसर हमारा। अरे भोजन जब जी माँ जब आवे ममिया सुसर हमारा। तेरा भूखी बैठी है सावरी बारात। ओ उड़ावे भाई माजा।
सजनों क्या होता है, दूसरे रोज जब बारात आ जाती है, प्रेम पूर्वक कन्या के पीले हाथ किए और भावर डाल दी, शाम की वक्त भोजन जिमाने के लिए पत्तल दोना परोसे और मिठाइयां परोसी, और जिसके बाद में कहने लगे जान से कि महाराज भोजन पाओ। सजनों दूल्हे कहने लगा कि सुनिए महाराज, मैं जब भोजन पाऊंगा कि मेरा ममिया सुसर हर दौल मुझसे आकर ये कहे कि आप भोजन जीमो, इस प्रकार की हट कर ली। सारी बारात भूखी बैठी है, कोई भी भोजन नहीं जीम रहा है, फिर क्या होता है, ओ मैं तो अरे जब वो ढूंगी रे भात को उठावे मेरा बाजा, अरे धूले ठाने होकर ऐसे वचन उतारा, धूल ने ठाडो हो करके ऐसे वचन उतारा, अरे भोजन जब जी माँ जब आवे ममिया सुसर हमारा, तेरे भूखी बैठी है सबरी बरात हो जुनावे मेरा माजा, माया अपरंपार घरी को खड़ा हुआ हर दाल, अरे माया अपरंपार हरी की खड़ा हुआ हर दाल, अरे भेन बारात करे है दर्शन सवरी ने जय बोले, अरे भैन बारात करे है दर्शन सबरी ने जय बोल, तेरे दुर्गा लाल खुशी रे रही छाए ओ बुढ़ावे मेरा माजाया, रे रा